हेलो एवरीवन, मैं पुष्पा राजपूत पुष्पा की रसोई में आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ ऐसा नाश्ता जो आपका 5 मिनट में बन करके तैयार हो जाएगा और खाने में इतना लाजवाब कि आप बनाएंगे ना तो इसको बनाते ही रह जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये बनने वाला नाश्ता सिर्फ एक आलू से। तो इसके लिए हमें सबसे पहले फ्रेंड्स ले लेना है आलू, और आलू को आपको अच्छे से पानी में पहले इसको धुल लेना है। तो फ्रेंड्स, आप जितने लोगों के लिए ये नाश्ता बना रहे हो उस हिसाब से आपको आलुओं को ले लेना है। मैं बना रही हूँ सिर्फ 2 लोगों के लिए, तो मैंने एक आलू को ले लिया है। और आलू को पहले हम अच्छे से पानी में धुल लेंगे। थोड़ा सा हम इसको पानी में डाल देंगे, इससे क्या होगा कि हमारा आलू जो होगा उसकी मिट्टी अच्छे से साफ हो जाएगी। तो इसके बाद हम पानी से आलू को निकालेंगे, निकाल करके इसको छील लेंगे। तो मैंने इस तरह से 2-3 बार पानी को अच्छे से धुल लिया है। इसके बाद हमें एक छिल्ली की हेल्प से आलू का जो ऊपर का छिलका होता है इसको हमें छील करके अलग कर लेना है। आलू का जो नाश्ता होता है फ्रेंड्स, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। खास करके तो हमारे बच्चों को आलू की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। तो आप लोग भी इस तरह से बनाइएगा ज़रूर, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और मेरी चैनल पर यदि नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, आलू को आपको थोड़ा सा इसके पीस कट कर लेना है। तो इसमें जो जो सामग्री की जरूरत पड़ेगी वो सब आज यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। तो ये आपको ले लेना है टमाटर, हरी मिर्च, साथ में आपको ले लेना है हरा धनिया, और एक हमें ले लेना है प्याज की गठिया। तो हम क्या करेंगे, आलू के छोटे छोटे से पहले तो पीस कट कर लेंगे। आज जो हमने ये आलू लिया हुआ फ्रेंड्स, बगैर बॉयल किया हुआ लिया है। आज हम सिर्फ कच्चे आलू से ही नाश्ता बना करके तैयार कर रहे हैं। तो इस तरह से हमें थोड़ा सा इनको कट कर लेना है, और आपको इसको मिक्सी के जार में डाल करके इसको हमें पीस करके तैयार कर लेना है। तो हमने देखिए एक ही आलू को लिया है, और इसको थोड़ा सा इसलिए काट ले, इससे हमारा काम थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा। और इस तरह से हम इसको थोड़ा सा पीस लेंगे। मैंने फ्रेंड्स क्या किया, मिक्सी का जल्दबाजी में ढक्कन नहीं लगाया तो मेरे सारे आलू बिखर के बाहर आ गए। तो आप ये गलती बिल्कुल मत कीजिए, थोड़ा सा ध्यान से ही जब भी आप मिक्सी में पीसें तो ढक्कन को अच्छे से बंद कर दें। मेरा ढक्कन बंद नहीं हो पाया था, इसकी वजह से सारे मेरे आलू बाहर निकल के आ गए। तो अब मैं इसको निकालती हूँ, फिर से ढक्कन बंद करके फिर से इसको पीस करके तैयार कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, हमारे आलू बहुत ही अच्छे से पीस करके तैयार हो चुके हैं। और अब हम क्या करेंगे, इस बैटर को अलग निकाल के रख लेंगे। और अब हम लेते हैं प्याज। प्याज को सबसे पहले आपको इस तरह से काट करके इसका छिलका निकाल लेना है, और छिलका निकालने के बाद थोड़ा सा हमें प्याज को बारीक काट करके तैयार कर लेना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, हमें प्याज को थोड़ा सा बारीक काट लेना है। और प्याज काटने के बाद हम काट लेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च, और थोड़ा सा काट लेंगे हम बारीक टमाटर। तो इस तरह से हमें सारी सब्जियों को काट करके तैयार कर लेना है। यदि आपके पास शिमला मिर्च है तो आप शिमला मिर्च को ले सकते हैं, और यदि आपके पास गाजर है तो आप गाजर भी ले सकते हैं। फिलहाल मेरे पास ये दोनों चीज़ आज नहीं थी, मेरे पास जो सामग्री थी आज मैं उसी के साथ बना करके ये नाश्ता फ्रेंड्स तैयार कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने सारी सामग्री को काट करके तैयार कर लिया है। अब फ्रेंड्स, हमें ले लेना है एक कोई बर्तन। तो उसमें हम क्या करेंगे, अब डालेंगे ये पिसा हुआ आलू जो हमने मिक्सी में पीस करके फ्रेंड्स तैयार किया था। तो हमें ये आलू को डाल देना है, और आपको क्या करना है, जिस बर्तन में आपने धुला है उसको पानी में धुल करके आप डाल सकते हैं यदि आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हो। और फिलहाल इसमें पानी वैसे भी डालने की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि हमने आलू जो पीसा था बगैर पानी से पीस करके तैयार किया था। तो हम धुल करके भी इसमें आलू ये सारा इस तरह से पलट लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अपनी कटी हुई सारी सब्जियाँ, जैसे कि हमने टमाटर काटे थे, हरी मिर्च काटी थी, हरा धनिया, और साथ में हमने प्याज और
हरी मिर्च को काट लिया था। तो हम सारी सामग्री इसमें डाल देंगे और साथ में हम कुछ मसाले और भी डालेंगे। तो इन सबको हमें अच्छे से पहले तो मिला लेना है, और यदि आपको लगे कि बैटर थोड़ा सा गाढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और भी डाल सकते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ और सामग्री, क्योंकि ये जो नाश्ता बनाना है हमें बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही स्वादिष्ट बना करके तैयार करना है। तो अब हम डाल देंगे इसमें भुजा हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा सौंफ पाउडर, धनिया पाउडर। तो मैंने सारा इकट्ठा मिला करके डाला है, और मैंने साथ में डाल दिया स्वाद के अनुसार आधी चम्मच नमक। थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला। गरम मसाला हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस एक ही चुटकी हम डालेंगे, और इन सबको हम मिला करके अच्छे से तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें फ्रेंड्स थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें स्वाद को और बढ़ाने के लिए थोड़ा सा फ्रेंड्स अजवाइन क्रश करके डालेंगे। तो मैंने आधी चम्मच भर करके इसमें अजवाइन डाल दी है। तो इस तरह से हमें सारे मसालों को अच्छे से इसमें मिला लेना है। और साथ में फ्रेंड्स इसमें मैंने डाला हुआ था एक चम्मच के करीब चावल का आटा, और एक चम्मच मैंने डाला हुआ था इसमें बेसन। तो इस तरह से हमें सारी सामग्रियों को फ्रेंड्स अच्छे से मिला लेना है। तो ये हमारा बैटर बनकर के तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं कढ़ाई को लेने। तो हमें गैस को ऑन कर लेना है, इसमें चढ़ा देना है कढ़ाई, और कढ़ाई में हम डाल देंगे ऑयल। आप जो भी ऑयल यूज करते हो आप वो ले सकते हैं। मैंने फिलहाल सरसों का ऑयल लिया हुआ है, क्योंकि मैं अपने घर के लिए बना रही हूँ। तो पहले तो हम तेल को अच्छे से गर्म करेंगे, और इस तरह से चम्मच से हम बैटर को भरेंगे, और इस तरह से हम इसको फैला देंगे। तो आपको इसको ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, नॉर्मल बनाना है इसको। तो हम चम्मच से इसको फैला लेंगे, और चम्मच को हल्का सा चलाते हुए इसको फैला देंगे। तो ये देखिए एक बार में ये चार बनकर के तैयार हो जाते हैं, और ये डिपेंड करता है कि आपका ये बर्तन कितना छोटा या बड़ा है। तो इस तरह से हमें तेज आंच में इसको पका लेना है, और एक मिनट बाद इसको हमें पलट करके दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्पी होने तक सेक लेना है।
तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा नाश्ता 2 मिनट में बनकर के तैयार हो चुका है। आप इसको चटनी के साथ में, सॉस के साथ में, मैंने ये वाइट वाला सॉस लिया हुआ है और ये मैंने टोमेटो सॉस लिया है, तो आप इस तरह से बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो एक बार फ्रेंड्स इस नाश्ते को बना करके ज़रूर देखिए, बहुत हेल्दी है और ख़ास बात है ये बहुत ही कम समय में बन करके तैयार हो जाता है। तो आज